नमस्ते, मेरे चैनल हैप्पी होममेकर पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। संसार में चारों तरफ खुशियों का माहौल हो। भाई, मैंने तो कान्हा जी का एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा पंडाल तैयार कर लिया। कान्हा जी की पूजा से जुड़ा हुआ सारा सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया है। अब उनके भोग के लिए कुछ सामान मैंने तैयार कर लिया, कुछ आइटम्स अभी बनाने बाकी हैं। वैसे मेरा नया मंदिर अभी तक नहीं आया। मैंने प्लान किया हुआ था कि 18 से पहले या 19 से पहले मैं ले आऊँगी, लेकिन दो तीन दुकानों पे गई मैं और मुझे पसंद नहीं आया वहाँ पे। कोई बात नहीं, अगली जन्माष्टमी हम नए मंदिर में और भव्य तरीके से मनाएंगे। वैसे कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है और सबसे अच्छी चीज़ ये जीवन हमें दिया है, तो हमें भी खुशियाँ मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है जब हम अपनी तरफ से इस तरीके के छोटे छोटे एफर्ट्स भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए करते हैं। तो पूजा की तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ मखाने की खीर, तो ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़ी देर में ही ये बन जाएगी। तब तक मैं बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये पंजीरी बना के रख ली है, धनिये की पंजीरी जन्माष्टमी पे बनती है तो वही बनाई है। और साथ में मैंने ये चरणामृत भी बना लिया है, दूध दही घी शहद गंगाजल तुलसी और मिश्री, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली है। भोग लगाने में अभी टाइम है, तो अभी तो इन चीज़ों को मैं फ्रिज में ही रख दूँगी और रात को जब भोग लगेगा 12 बजे के बाद तो उस टाइम पर इन सब चीज़ों को निकालूंगी। गोले की बर्फी मैंने कल ही बना के रख ली थी, साथ में मैंने बना लिया खीरे का रायता। आलू का नहीं बनाया क्योंकि आलू के और दूसरा आइटम हो जाएगा, तो खीरे का रायता। अब इन सब चीज़ों को अभी तो फिलहाल फ्रिज में रख दूंगी। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया और आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं बनाऊँगी क्विक वाली बर्फी, जिसमें मैं यूज़ करूँगी मिल्क पाउडर का। तो 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप दूध, 1/2 कप चीनी और साथ में 2 चम्मच के आसपास घी। उसके अलावा बर्फ़ी जमाने के लिए एक कोई केक टिन हो या फिर ट्रे हो या फिर थाली, साथ में खुशबू के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए नहीं तो आप गुलाब जल, केवड़ा, जो चाहे आप वो खुशबू इसमें डाल सकते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए पैन में पहले 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। घी की क्वांटिटी इतनी ही रखना अगर आप 2 कप मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा अभी फ़िलहाल तो जो मिल्क पाउडर है वो इस घी को ना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जब बर्फ़ी जमाएंगे तो ऊपर से ना घी की एक लेयर आ जाती है, तो इतना घी इनफ रहता है। तो फिलहाल मैंने घी के अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया है, मतलब सारी चीज़ें ना अभी डाल देंगे इलायची छोड़कर। तो घी के अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया है, मीठा डाल दिया है और जो दूध हमने लिया हुआ था वो भी डाल दिया। इन सब चीज़ों को अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएंगे। ध्यान रखें, फ्लेम जितना स्लो आप रख सकते हैं उतना ही स्लो रखें और लगातार चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपने बीच में कुछ सेकंड्स के लिए भी छोड़ दिया और कहेंगे कि मैंने बताया नहीं और बर्फ़ी जल गई, या उसमें ना छोटे छोटे ब्राउन कलर के टुकड़े पीसीज आ जाएंगे जो कि बाद में अच्छे नहीं लगेंगे और टेस्ट तो ख़राब हो गई। तो अब इसको लगभग 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। अभी क्या होगा, एक बार तो ये और डाइल्यूट होगी क्योंकि जो चीनी हमने डाली है, बूरा या चीनी जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं, तो वो जो डाली है वो अभी मेल्ट होगी गर्म होके, तो अभी एक बार तो ये और ज़्यादा लिक्विड होगी, लेकिन फिर आप इसे लगातार धीरे 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 चलाते रहें और बस 15 से 20 मिनट के अंदर ही इसकी ना कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी जैसे हम आटा लगाते हैं, आटा भिगोते हैं, बिल्कुल ऐसी। जो ये मिल्क पाउडर हमने डाला है तो ये जो पूरा बैटर होगा एक तरीके से जो पैन है या कढ़ाई जिस भी चीज़ में आप बना रहे हैं उसके सरफेस को छोड़ने लग जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं ना इस तरीके की रेसिपीज़ के, तो हमें लगता है बहुत आसान है, लेकिन वाकई में इस रेसिपी को बनाने में आपको लगातार चलाना है, हाथ में दर्द हो जाएगा आपके, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। बहुत गांठें पड़ जाती हैं बारीक बारीक, छोटी बड़ी सब साइज़ की, तो वो गांठें हमें साथ के साथ फोड़नी है और लिटरली हाथ ना पूरा दुखने लगता है क्योंकि लगातार 15 या 20 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से, और थोड़ा वेट भी हो जाता है, जैसे जैसे ये गाड़ी होती है इसमें वेट भी आ जाता है थोड़ा सा, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस अब इस टाइम पे हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल के एक बार फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसकी हम बर्फ़ी जमा देंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए सेम वही प्रोसेस है जो कि रहता है, ये मिक्सचर जब गर्म हो तभी इसे ट्रांसफ़र कर लेना है किसी भी ट्रे या फिर
थाली के अंदर। और मैंने तो खैर नीचे बटर पेपर लगा दिया था, आप चाहें तो लगाएं या ना भी लगाएं, इजीली निकल जाती है ये क्योंकि बहुत चिकनी है ऑलरेडी बर्फ़ी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस तरीके से कोई बटर पेपर या कोई नॉर्मल पेपर है उसको भी आप ऑयलिंग करके बटर पेपर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस पे कोई ड्राई फ्रूट की या फिर रोज़ पेटल्स की किसी भी तरीके की कोई लेयरिंग करनी हो ना ऊपर से, तो वो अभी कर दें इसी टाइम पर, क्योंकि बर्फ़ी अभी सॉफ्ट है। तो आप वो सब चीज़ें इसके ऊपर से डाल के ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो चाहे वो डालें, और उसके बाद स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से उसको प्रेस कर दें। और फिर मैंने तो खैर फ्रिज में रख दी थी जमने के लिए, बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और बस अब मेरी रसोई मैंने बिल्कुल साफ़ भी कर दी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए। अब थोड़ा सा मेरा पूजा का काम बचा है, वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। 20 मिनट फ्रिज में रखी बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। बस अब आप जो शेप चाहें, जितना साइज चाहें उस हिसाब से कट कर ले किसी भी चाकू की सहायता से। और हाँ, बर्फी कट करने के बाद ना ट्रे हो या फिर थाली हो, जो भी आप लें, उसके चारों तरफ इस तरीके से एक बार चाकू और चला दें ताकि बर्फ़ी निकलने में आसान रहे और वो टूटे ना। तो मेरी तो कान्हा जी की भोग थाली के लिए एक और रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आपने कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई अपने लड्डू गोपाल या कान्हा का भोग लगाने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक्स देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और उसके अलावा अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग नए नए वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं मेरे चैनल पर, जो कि शर्तिया आपको एंटरटेन करने ही वाले हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए मेरी बर्फ़ी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, कितने अच्छे से सेट हो गई है। साइज़ मैंने बताया, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से कट कर लें, छोटा या बड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए कैसे चंद ही मिनटों में एक बढ़िया सी रेसिपी भी बनकर तैयार हो गई है और स्वादिष्ट भी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने बाकी और चीज़ों की भी तैयारी कर ली। मैंने कुट्टू की पकौड़ी भी बनाई थी, पूरियाँ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो पहले से बना के रखती तो फिर बाद में ना ठंडी उन्हें कोई खाता नहीं, और अगर मैं 12 बजे के बाद वो बनाना शुरू करती तो वही बहुत लेट हो जाता। तो पकौड़ियाँ ही मैंने पहले बना के रख दी और बस अब 12 बज गए थे, हम लोगों ने पूजा भी शुरू कर दी है और बस अब कान्हा जी को बारी बारी से झूला झूला रहे हैं। ये त्यौहार ही तो हैं जो अभी तक हम सबको अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जोड़कर रखे हुए हैं। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। कान्हा के बिन कैसे बच्चे दोनों भूखे हैं सुबह से, पर देखो चेहरे से पता नहीं चल रहा, गर्मी है थोड़ी सी यहाँ पे, पंखा क्योंकि बंद किया हुआ है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत ना भूखे रहना भी आना चाहिए। तो सुबह से फास्ट है और 12:30 के आसपास का टाइम हो ही गया है, लगभग 12:15 से ऊपर हो गए थे क्योंकि पूजा वगैरह हमारी सारी हो गई है, खाना भी ऑलमोस्ट व्रत का सारा बन गया है और बस अब चांद को देख के अर्घ दे के आना एक बार। हमारी सबकी पूजा भी हो गई, किचन का भी लगभग सारा ही काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक चांद ने दर्शन नहीं दिए। आज थोड़े से बादल भी हैं, 1 बजने वाला है, 5-7 मिनट आ गए ये और अभी तक चंदा मामा नहीं निकले हैं। एक बार अभी जाके देखते हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं वैसे यश और उसके पापा ऊपर। आप क्या कर रहे हो यहाँ, आपका तो व्रत भी नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो रात को 1 बजे? मैं साथ दे रहा हूं सबका। बताऊँ आप लोगों को, इनका फास्ट नहीं है, सुबह इन्होंने अच्छे वाले खाना खा लिया और उसके बाद रात को डिनर नहीं किया कि सबके साथ ही रात को 12-1 बजे जो भी तब जब व्रत खोलोगे तब खाऊंगा। हाँ, अगर चांद निकलता तो इधर से ही निकलता। चंद्रमा को जल अर्पण करते हुए प्रसाद पहले लेना है, ये दोनों, ये है पंजीरी, ये है चरणामृत, ये पहले लेना है।